फ्रेंड्स, आज का हमारा ये पेपर है 3 सितंबर शिफ्ट 2 का ये पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट प्रेशर 160 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। व्हेन द सेम मास ऑफ गैस इज कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम 240 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिलीज्ड। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस हैव, राइट। तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस अगर हमें उसको रेज करना है 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो 160 कैलोरीज चाहिए, और 100 डिग्री सेल्सियस अगर रेज करना है तो 240 कैलोरीज चाहिए, राइट। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा उस मॉलिक्यूल्स का, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग जो एनर्जी की वैल्यूज़ है उससे अगर स्टार्ट करें, तो फॉर्मूला ही है यहाँ पर, एंड दैट इज एन सी पी, राइट, एन सी पी इंटू 50, क्योंकि ये पूरी फॉर्मूला एन सी पी एंड टेम्परेचर, एन सी पी इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू एनर्जी, एंड एनर्जी है वो है 160 कैलोरी, हीट के फॉर्म में है यहाँ पर एनर्जी, राइट। और सिमिलरली जो दूसरा है, आप अगर देखोगे यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर में है तो यहाँ पर सी पी आएगा, और दूसरा जो केस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो वहाँ पर सी वी आएगा। तो एन इंटू सी वी, और टेम्परेचर है यहाँ पर 100, क्योंकि 100 डिग्री तक रेज किया है, इज इक्वल टू, एंड एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज हो रही है वो है 240, राइट। तो ये दो इक्वेशंस बन गए। अब दोनों के ही अगर रेशियो ले, तो दोनों के ही रेशियो में यहाँ पर सी पी अपॉन, अब 5 कैंसल, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, दोनों का रेशियो लिया है तो 5 2 10, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू सी वी, क्योंकि एन एन भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू फिर 160 अपॉन 240, उसका भी रेशियो होगा तो 16 अपॉन 24, राइट, ये बचेगा। अब सी पी अपॉन सी वी, सी पी अपॉन सी वी मतलब कि गैमा बाय 2, ये हमारा गैमा होगा, सी पी अपॉन सी वी गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 24। तो यहाँ पर एक 16 मतलब 8 2 जा, राइट, एंड यहाँ पर 12 2 जा आएगा, यहाँ पर 4 2 जा, यहाँ पर 6 2 जा, यहाँ पर 2 2 जा, यहाँ पर 3 2 जा, 2/3 यहाँ पर होगा गैमा बाय 2, तो 2/3, राइट। तो गैमा को सब्जेक्ट अगर बनाए तो गैमा इज इक्वल टू 4/3 होगा, सो गैमा इज इक्वल टू 4/3। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गैमा -1, राइट। तो 2 अपॉन गैमा -1 मतलब के 2 अपॉन 4/3 -1। अब उसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 2 अपॉन 4 -3, और वो 3 जो एलसी वाला 3 है वो नीचे होगा, अब उसको ऊपर ही रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो 3 2 जा 6 6 बाय 1 6 बाय 1 इज 6, सो एफ इज इक्वल टू 6 हियर, सो और फाइनल आंसर इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस, व्हेन शाफ्ट रोटेट्स एट एंगुलर स्पीड ओमेगा द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विथ इट, वो फिगर में हमें दिख रहा है, राइट, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन है। टू फाइंड क्यू, इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ml² / 12 ओमेगा स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अबाउट द सेंटर ऑफ मास टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज FH एंड FV अबाउट द सेंटर ऑफ मास। FH मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, FV मतलब वर्टिकल कॉम्पोनेंट। द वैल्यू ऑफ थीटा इज देन सच दैट, तो यहाँ पर थीटा हमें फाइंड करना है। हमारे पास सारी जो क्वांटिटीज़ है वो है फोर्स है, लेंथ है, और जो सिस्टम है वो ओमेगा से रोटेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब पूरे जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है उसके फोर्सेस के बारे में सोचे, तो यहाँ पर पहला फोर्स तो उसका डाउनवर्ड साइड लगेगा, वो होगा वेट mg,
राइट, एम जी जितना वेट नीचे ले गए। और दूसरा, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा कर्व मोशन भी होगा, मतलब थोड़ा पोर्शन उसका सिलिंड्रिकल मतलब सर्क्युलरली भी वो थोड़ा मूव करेगा, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जर्ट होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो ओमेगा स्क्वायर राइट एल बाय टू और साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन कंपोनेंट होगा उसका, तो साइन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल फोर्स की अगर बात की जाए तो एफ वी वर्टिकल फोर्स। अब वर्टिकल फोर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ वेट है एम जी, तो यहाँ पर एम जी लिखे जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करें सिर्फ, तो एफ एच इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स में सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा राइट बाय टू, बट यहाँ पर एम भी आएगा मास राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से ये पूरी फॉर्मूला बनेगी। अब यहाँ पर जो भी टोटल फोर्स है उसका अगर एफ बी डी लिखे पूरे इक्वेशन का, तो यहाँ पर एफ बी डी लिखे तो वो एफ बी डी होगा एम जी एल साइन थीटा राइट बाय टू, क्योंकि लेंथ बाय टू है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर राइट एल बाय टू साइन थीटा एल बाय टू इंटू कॉस थीटा राइट। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू साइन थीटा एल बाय टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें पूरी इक्वेशन में जो यहाँ पर दिया गया है राइट एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम की पूरी फॉर्मूला लगाई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है राइट। तो एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा राइट इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर बाय 12 भी आएगा बाय 12। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 12 राइट। अब यहाँ पर कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाए पूरे इक्वेशन में से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल राइट। तो ये हमारा पूरा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में से हमने कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाया, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा कैंसिल होने के बाद यहाँ पर कॉस थीटा मिला, और थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में से जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर यस, जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला आर, इट इज गिवन हियर इन मीटर, इट फॉलोज दैट द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइट। तो ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या दिया गया है, तो रेडियस दिया गया है न्यूक्लियस का, और उसका मास नंबर भी कैपिटल ए है, और फिर रेडियस और जो मास नंबर है उसको यहाँ पर फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है। ओके, तो पहले तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम राइट। तो मास मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास, तो कैपिटल ए अपॉन 4/3, क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल एज्यूम करेंगे, तो 4/3 पाई आर ज़ीरो क्यूब इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है राइट। तो वॉल्यूम मतलब के पूरा जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका पूरा यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं पूरा वॉल्यूम, तो इसीलिए यहाँ पर एटॉमिक मास भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए गेट्स कैंसल्ड और 3 ऊपर जाएगा, तो 3 अपॉन 4
पाई आर ओ क्यू, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास रेडियस जो है दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब कि आर ज़ीरो जो है ना वो है 1.3 इंटू 10^-15, तो दैट इज़ गिवन। तो सारी वैल्यूज़ रखें तो लास्ट में जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 2.3 इंटू 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमें मिली। अब यहाँ पर जो पावर है वो थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज रो ऑफ आर इज इक्वल टू रो ओ ब्रैकेट 1 - r² अपॉन r² देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होगी, तो उसको अगर फाइंड करना है तो पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू इक्वेशन के हिसाब से उसकी फॉर्मूला होगी रो ओ इंटू 4 π r² इंटू dr, राइट। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लिया, राइट, रो ओ 4 π r² dr। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी ये सिर्फ रो होगी, रो ओ उसके बाद आएगा फॉर्मूला में, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब हम ये फॉर्मूला अगर अंदर रखे तो रो ओ इंटू द ब्रैकेट 1 - r², राइट, r² अपॉन r² ब्रैकेट कंप्लीट 4 π r² इंटू डी आर, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट टर्म आउटसाइड बाहर ले लेते हैं तो बाहर के टर्म हो गए 4 π ρ, राइट, और r² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन r² -r⁴ अपॉन कैपिटल r², राइट, ब्रैकेट कंप्लीट डी आर, राइट। अब यहाँ पर 4 π इज इक्वल टू जो बचा वो 4 π ρ ओ। अब आफ्टर इंटीग्रेशन क्या बचेगा, तो r² में आएगा r⁴ अपॉन 3 माइनस r⁴ था तो r⁵ अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो r⁵ अपॉन 5 एंड r² भी है तो ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब यहाँ पर DE अपॉन DR अगर करें, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम मतलब कि कांस्टेंट, तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर आर के विथ रिस्पेक्ट डेरिवेशन ले तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में तो वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगी, राइट। तो तब ज़ीरो लेंगे और फिर अगर आर को सब्जेक्ट बनाएं तो डी अपॉन डी आर लेके आर को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो आर इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर ये जो हमारी फॉर्मूला है वो ई के हिसाब से है, राइट। अब उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, राइट, तो 4 π ε₀ कांस्टेंट, सॉरी 4 π ρ₀ कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन में पावर अहेड पावर -1 मतलब के स्क्वायर अपॉन 3, अब 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस अगेन पावर अहेड पावर -1 r⁴, यहाँ पर होगा 4 अपॉन 5 r², अब फिर से 5 5 कैंसिल, राइट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0 तो बाकी सब 0 हो गया। अब जो बचा वो तो 0 r², यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो r² -r⁴ अपॉन r², राइट। और यहाँ पर ये जो टर्म है मतलब 4 π ε₀ वो सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड
ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड अ सोलर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, तो सोलर कांस्टेंट, अब सोलर कांस्टेंट की फॉर्मूला एस इज इक्वल टू, तो वो फॉर्मूला होगी पी अपॉन ए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमें यहाँ पर इक्वेशन लेनी है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा, तो वो होगा एम वन एल टू टी माइनस थ्री, तो वो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसकी डायमेंशनल फार्मूला अपॉन, अब यहाँ पर तो एरिया है, एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा एल टू, राइट, एल टू एल टू गेट्स कैंसल्ड आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ एम वन एल माइनस थ्री। तो एम वन एल माइनस थ्री फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच टू अ मासलेस स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए ऑन अ फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ हाफ ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ व्हेन इट इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द रिमेनिंग सिस्टम बिकम। ओके, तो एक मास है हमारे पास, उसको ऑसिलेटरी मोशन करवा रहे एक मासलेस स्ट्रिंग के यूसेज से, उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल है और जो सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब बीच में कहीं पे वो जो स्प्रिंग है वो टूट जाती है, राइट। अब स्प्रिंग टूटने के बाद वो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, राइट, तभी स्प्रिंग टूटती है, तो तब हमें जो भी रिमेनिंग सिस्टम है उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर दूसरी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, तो कि यहाँ पर क्वेश्चन में इफ़ हाफ ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ, मतलब सिर्फ हाफ ही टूटा है, हाफ एज इट इज़ है, राइट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजिशन से स्टार्ट करें, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पर वेलोसिटी की फॉर्मूला वी इज इक्वल टू, मतलब वी ओ उसको सिंबल दे, तो वी ओ इज इक्वल टू ओमेगा वन इंटू ए, राइट, ओमेगा वन इज एंगुलर स्पीड इंटू ए इज एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा की फॉर्मूला है अंडर रूट के अपॉन एम, राइट, और दूसरी जो फॉर्मूला है लीनियर स्पीड की ओमेगा ए डैश, तो ओमेगा ए डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम बाय टू, क्योंकि हाफ मास ही है। तो ये हमारा न्यू केस के लिए है, राइट, दिस इज फॉर ओल्ड केस, मतलब जो इनिशियल है वो। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ए डैश होगा। अब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू होगा, अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो ये फॉर्म निकल कर बाहर आएगा। तो यहाँ पर ए अपॉन रूट टू मतलब के वन अपॉन रूट टू, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर देन इट्स बैंड गैप एनर्जीज, प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास और स्पीड ऑफ लाइट है, तो सिंपल फॉर्मूला है एनर्जी फाइंड करने के लिए कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब एच की फॉर्मूला, एच की वैल्यू दैट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, राइट, इंटू सी, सी मीन्स 3 इंटू 10 रेज टू 8, एंड लेमडा, लेमडा गिवन इन द क्वेश्चन दैट 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 रेज टू माइनस 9, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन, अब यहाँ पर जो एनर्जी है, अगर ऑप्शन आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और डिवाइड करनी होगी इलेक्ट्रॉन को, कि जिससे वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मिले, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से हमें डिवाइड करना है, कि जिससे ये पूरी कैलकुलेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें, तो डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले, सो आंसर विल बी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू रेजिस्टर्स 400 ओम एंड 800 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पर कनेक्शन भी बना देते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, और उन दोनों को 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो 6 वोल्ट की एक बैटरी है, राइट, 6 वोल्ट
और यहाँ पर ये है 400 एंड दिस इज़ 800। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर ऑफ 10 किलो ओम अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टर इज क्लोज टू। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 किलो ओम, राइट। तो 10 किलो ओम और 400 दोनों ही पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि हम लोग उसी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर 10 किलो ओम और 400 दोनों पैरेलल कनेक्शन में, अगर फिर से मैं कनेक्शन बनाऊँ उसका इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर मिलेगा यस 6 वोल्ट। हाँ, तो यहाँ पर 385 ओम, राइट, 385 ओम, एंड यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा 800, यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो ये पूरी सिचुएशन होगी 385, 800 एंड 6 वोल्ट। तो अब हमें पॉइंट्स अगर बनाए, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बीच में बी पॉइंट और यहाँ पर साइड में सी पॉइंट, राइट। तो ए बी सी तीन पॉइंट है। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बिटवीन, ए एंड बी के बिटवीन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 6/1185 × 385, राइट। सो आंसर विल बी 1.949। तो 1.949 मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन टू के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन एक क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर 1185 कहाँ से आया। तो 1185 मतलब कि 800 और 385 दोनों सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में हमें दोनों का सम करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर 1185 आएगा। तो 6/ दैट सीरीज कनेक्शन वैल्यू इनटू 385, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो आंसर होगा 1.949, मतलब के 1.95। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ मेटलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड। इफ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड इज 20 डिग्री सेल्सियस, देन स्फीयर्स टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 5 मिनट्स विल बी क्लोज टू। तो यहाँ पर सिंपल न्यूटन्स कूलिंग लॉ की थियरी अप्लाई करनी है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ की थियरी के हिसाब से जो भी डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो मतलब कि 50 - 40 अपॉन यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 5 × 60 वो 300 होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया। अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब के बीटा इंटू दी ब्रैकेट। अब एवरेज टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब के 50 + 40/2 - अब यहाँ पर जो हमारा एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब के 20, राइट। तो अब जो भी यहाँ पर इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को हम लोग फ्रीज कर लेते हैं। अब नया इक्वेशन में 40 वो हमारा लास्ट टेम्परेचर है, माइनस टी टेम्परेचर जो हमारा नया टेम्परेचर है, अपॉन 300 एज इट इज़, राइट, इज इक्वल टू बीटा। अब फिर से दोनों का ही एवरेज, मतलब 40 + t / 2 - 20, राइट। अब इस फॉर्मूला में से टी को सब्जेक्ट बनाना है। पहले क्या करना है, बी को फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में से। बी को फाइंड करने के बाद उसको इस फॉर्मूला में रखना है और टी को फाइंड करना है। तो टी को फाइंड करने से यहाँ पर आंसर जो आएगा वो होगा 100/3। अब 100/3 करेंगे तो वो आंसर होगा 33 अराउंड। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पार्टिकल इज मूविंग अनडायरेक्शनली ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई एनर्जी सोर्स। द डिस्प्लेसमेंट एस टाइम टी ग्राफ दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। ओके, तो यहाँ पर सिंपल जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो डी के काइनेटिक एनर्जी की डी के सिंबल है अपॉन डी ई
इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कॉस टी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी की ही सिर्फ बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर वी को अगर सब्जेक्ट बनाए, इस फॉर्मूला में वी को अगर सब्जेक्ट बनाए तो वी इज इक्वल टू, पहले तो अंडर रूट आ जाएगा, इंटू टू इंटू पी इंटू टी अपॉन एम, राइट, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर v मतलब क्या, v मतलब स्पीड, स्पीड एक डेरिवेशन है डिस्टेंस का, तो ds अपॉन dt हम लोग लिख सकते हैं, ds अपॉन dt, राइट, ओके। अब ds अपॉन dt में से मुझे सिर्फ s फाइंड करना है, तो पूरी इक्वेशन का मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन मतलब अब हो गया s इज इक्वल टू अंडर रूट 2pm, 2p अपॉन m कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। अब रूट टू, रूट टू का डिफरेंशिएशन, राइट, तो रूट टू का डिफरेंशिएशन यहां पर 2/3 टी रेस टू 3/2, ये डिफरेंशिएशन उसका रहने वाला है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एस इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 3/2, तो 3/2 जब पावर होगा तो वो ऑप्शन 1 के साथ मैच होगा, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एम ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ मिक्स्ड इज 31 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ एम इज क्लोज टू, ओके। तो यहाँ पर एक वाटर है, पानी है, जिसका कंटेंट है 20 ग्राम, राइट, फिर 180 ग्राम वाटर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर m ग्राम जो कि स्टीम है, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मिक्स करेंगे 31 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्जेशन के हिसाब से जो m होगा वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से, राइट, तो इक्वेशन 200 इंटू 1 इंटू जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 31 माइनस 25 इंटू द ब्रैकेट, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एम सी डेल्टा टी जैसी फॉर्मूला है, एम सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब मिक्स किया है तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा एम इंटू एल, एम इंटू एल मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वो है 540, तो 540 प्लस अगेन एम सी डेल्टा टी, तो एम इंटू सी 1 क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन 1 इंटू इंटू 100 माइनस 31 क्योंकि फाइनल जो टेम्परेचर है 31। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि 200 कहाँ से आया, तो 200 मतलब कि 20 ग्राम प्लस 180 ग्राम दोनों ही मिक्स्ड है, तो 20 प्लस 180 मतलब के 200 आएगा, ओके। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 200 इंटू दिस और मास को सब्जेक्ट बनाए, तो एम सब्जेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा होगा 2, सो वो आंसर फर्स्ट के साथ मैच होने वाला है, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, मास को सब्जेक्ट करना है और फिर उसको फाइंड करना है, सो आंसर विल बी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ओके, दो वेवलेंथ हमारे पास है रिस्पेक्टिवली, बोथ दी सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द सेम पावर 200 वाट, द रेशियो ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरेज टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ द विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ इज, तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर लिखे तो पी, राइट, उसकी फॉर्मूला है एन एच सी अपॉन लैम्बडा इंटू टी। अब यहाँ पर हम लोग रेशियो ले सकते हैं, राइट, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ एन और लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, तो अगर
एन अपॉन लेमड़ा है तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो मैं लिख सकता हूँ एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू लेमड़ा वन अपॉन लेमड़ा टू, राइट। तो लेमड़ा वन अपॉन लेमड़ा टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर है तो डायरेक्ट 1/5, राइट। तो 1/500 है, राइट। तो 1/500 तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज वैक्यूम इज, तो यहाँ पर प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन के हिसाब से वो वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द मोमेंट टी इज इक्वल टू जीरो वो हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो टाइम पे क्या होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो टाइम पे, पहले तो हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तो तीसरा वाला जो बचा वो जेड डायरेक्शन होगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में मिलने वाला है, राइट। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी ओ, क्योंकि वो बी ओ मतलब के मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वो हर इक्वेशन में आएगा, इनटू कॉस, क्योंकि कॉस फंक्शन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है तो सेम फंक्शन होने वाला है, इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। और लास्ट में के हैट होगा जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और वो होगा जेड डायरेक्शन में। तो अब हम अगर टी इज इक्वल टू ज़ीरो रखें तो t इज इक्वल टू ज़ीरो के हिसाब से हमारी फॉर्मूला में सिर्फ बचेगा वेक्टर b इज इक्वल टू बी ओ कॉस, राइट, माइनस के एक्स के हैट, राइट। ये फॉर्मूला मिलेगी। अब यहाँ पर वेक्टर b इज इक्वल टू बी ओ की जगह हम फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला होगी ई ओ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फॉर्मूला होगी ई ओ अपॉन सी इंटू कॉस के एक्स, राइट। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नेगेटिव आंसर में नहीं है तो नेगेटिव साइन को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, राइट। तो अब इज इक्वल टू ई ओ, अब 1/c की फॉर्मूला है, 1/c की फॉर्मूला है अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू कॉस के एक्स कॉस के एक्स, राइट। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है के हैट, तो यहाँ पर भी के हैट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो वो हो रहा है 4th ऑप्शन के साथ मैच, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।